दिन भर के प्रायोजक हैं होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटरर। साई पनाम सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे दिन भर, मैं उस्मिता। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मनाया गया संविधान दिवस। संविधान दिवस के मौके पर अपर आयुक्त ने कार्यालय में दिलाई अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ। थाना दिवस पर सुनी गई फरियादियों की फरियाद। रात के अंधेरे में चोरों ने मकान का ताला तोड़ किया लाखों के जेवर पर हाथ साफ। लग्न के मौसम में बढ़ाई गई रोडवेज में बसों की संख्या, स्टेशन मास्टर ने दी जानकारी। स्टूडेंट पुलिस कैडेट की बैठक हुई संपन्न, बच्चों को समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाने पर दिया गया जोर। एडीजी अखिल कुमार ने उत्तर प्रदेश मिट्टी कुश्ती संघ प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को किया याद, प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बुद्ध से कबीर तक की यात्रा के तहत टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। संविधान दिवस के मौके पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ व्याख्यान। यातायात माह के तहत स्कूली बच्चों ने निकाली रैली, किया लोगों को जागरूक। और संविधान दिवस के मौके पर दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, विद्वानों ने रखे अपने अपने विचार। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार एकादश की अध्यक्षता में संविधान दिवस के अवसर पर दीवानी न्यायालय परिसर में संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया गया। इस कार्यक्रम में समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब ने व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 7 तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा संविधान को अंगीकृत। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया, संविधान दिवस के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि छात्रों द्वारा विधिक जागरूकता रैली निकाली गई और तत्पश्चात जो है प्रभारी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर गोरखपुर में संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया गया, जिसमें जनपद न्यायालय के समस्त पीठासीन अधिकारी व सम्मानित अधिवक्तागण तथा समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त बाह्य न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय गोला, कैंपियरगंज, चौरी चौरा में संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया गया और जनपद न्यायालय में गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी न्यायिक अधिकारीगण व अधिवक्तागण उपस्थित रहे और उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण द्वारा संविधान के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और
जिसमें कि ये बताया गया कि भारत संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया और गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। इस प्रकार जो है गोरखपुर जनपद में न्यायालय और बाह्य न्यायालय सभी जगह संविधान दिवस जो कि विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और उसको बड़े हर्ष और उल्लास के रूप में मनाया गया। 26 नवंबर को पूरे हिंदुस्तान में संविधान दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है, इसी के तहत संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर गोरखपुर कमिश्नरी में अपर कमिश्नरी अजय कांत सैनी कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना शपथ दिलाई तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। प्रारंभ हुई है, पहले पिछले कुछ सालों से पहले नहीं हुआ करता था, मगर अब इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर कमिश्नर अजय कांत सैनी ने बताया, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा में ये संविधान का जो है किया गया था और हमारे 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ था, तो आज इस संविधान दिवस के इस अवसर पर अपने जो है अधिकारी और कर्मचारियों के साथ जो है शपथ हम लोगों ने ली है। लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए पुलिस विभाग की ओर से शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। थाना दिवस के मौके पर जन सुनवाई की जाती है और अगर संभव हो सके तो उसी दिन मामले का निस्तारण भी किया जाता है। इसी के तहत थाना कैंट में क्षेत्राधिकारी श्याम देव की मौजूदगी में फरियादियों की फरियाद सुनी गयी। कहाँ अपहरण किए थे? संस्कृति के सामने से अपहरण किया था बच्चों को, तो बच्चों को मारना स्टार्ट कर दिया, बच्चे चिल्लाना स्टार्ट कर दिए सर को, उसका गोली तुम्हारी माँ कहाँ रहती, बच्चों को बहुत मारा था सर, इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीओ कैंट श्यामदेव ने कहा, कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया है जिसमें मैं मौजूद हूँ, थाना प्रभारी हैं, राजस्व की टीम है, जिसमें कुल 4 प्रकरण अभी तक आए हैं, जो चारों प्रकरण रास्ता मकान जमीन दुकान विवाद से संबंधित हैं, जिसमें राजस्व और पुलिस की टीम गठित की गई है और मौके पर जाकर ये लोग जांच आख्या उपलब्ध कराएंगे, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कितना कारगर साबित हो रहा थाना दिवस? थाना दिवस चूँकि राजस्व की टीम भी रहती है और पुलिस की टीम रहती है, जो सामान्य मामले रहते हैं आपसी सहमति से सुलझाने वाले वो तो तत्काल हो जाते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल मामले रहते हैं जैसे कोई कोर्ट में चल रहा है या अन्य मामले हैं तो उसमें टाइम लगता है, थाना समाधान दिवस कारगर तो है। कैन थाना क्षेत्र के रानी डीहा में बीती रात बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 6 लाख नगद समेत लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक रानी डीहा के रहने वाली शोभा ने बताया कि वह लोग शुक्रवार की रात रिश्तेदारी की एक शादी में शामिल होने के लिए घर पर ताला लगाकर चले गए। रात 1 बजे लौटने पर घर के पिछले हिस्से का दरवाजा ताला तोड़कर चोर घर में दाखिल हुए और 6 लाख नगद व जेवरात लेकर फरार हो गए। अंजनी भाई पहचान रहे हैं? नहीं पहचानेंगे। नहीं लगाई वो 94 54 35 06। दीवार पे सर
इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित शोभा और हरिलाल यादव ने बताया। सब पौना ही ताला बंद कर, अब पीछे गेट खोल के हमारे घर में हेल के पूरा जेवर सब उठा ले गए, ताला तोड़ गए, पैसा ज्यादा रहा, शादी रहा पैसा ज्यादा रखा, सब कुछ उठा लिए। आजकल शादी ब्याह का सीजन चल रहा है जिसमें लोगों के सफर करने की सीमा अचानक बढ़ जा रही है। ऐसे में रोडवेज ने जनता के लिए 10 बस से अलग से चलवाई है, साथ ही इसमें लोकल दूरी के लिए बसों की उपलब्धता पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस बारे में हमारे सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए स्टेशन मास्टर महेंद्र चंद श्रीवास्तव ने बताया। 20 तारीख से 4 दिसंबर तक लगन काफी तेज है, शादी ब्याह का माहौल है, जो लोकल और लंबे मार्ग के लोग हैं बस से जाना पसंद कर रहे हैं। इसको देखते हुए हमने लंबी सेवा जो दिल्ली थी उसको बंद कर दिया, उसको लखनऊ कानपुर लोकल कर दिया है, और लोकल के हर मार्ग पे विशेषकर तमपुरी पड़ौना सुनौली पर ट्रिप बढ़ा दिया गया है। भीड़ होने पर यात्रियों को दूसरे मार्ग की गाड़ियां काट कर भेजी जा रही है। कितनी बसें बढ़ाई गई हैं? 10-10 बसें हर रूट पे बढ़ाई गई हैं, आवश्यकता पड़ने पे और भी बढ़ाया जा सकता है। SPC यानी स्टूडेंट पुलिस कैडेट की एक बैठक पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आए दिन इस तरह की बैठक की जाती है ताकि छात्रों को समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके और वह अनुशासित जीवन इस समाज में जी सके। कक्षा 8 और कक्षा 9 के बच्चों को इसमें चिन्हित किया जाना है, उनको स्टूडेंट पुलिस कैडेट के रूप में हम लोग चयनित करेंगे और उनको ये सब जो शिक्षा हम लोगों को देनी है एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए वो सब हम लोग देंगे। उनको शिक्षा कैसे दी जाएगी इसका एक प्रिस्क्राइब्ड जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, प्रत्येक महीने का टॉपिक फिक्स है, उसको हम लोग इंडोर भी कराएंगे और आउटडोर भी ले जा करके बाहर उनको जैसे था यातायात नियंत्रण में करना है, वृद्धावस्था में ले जाना है, वृद्धाश्रम वगैरह जहाँ पे वो भ्रमण कराना है, इसीलिए आपदा प्रबंधन का टॉपिक है, तो कहीं कोई ऐसी दैवीय आपदा या मानवजनित आपदा कोई आती है जिसको कैसे हम लोग दूर करेंगे, फायर ब्रिगेड वगैरह होता है, NDRF SDRF जो टीमें होती हैं वो क्या काम करती हैं, उनके कहाँ पर हेडक्वार्टर हैं, वहाँ पर ले जाके उनको भ्रमण कराना है, तो आउटडोर एक्टिविटी में ये सब काम आते हैं जिससे उनका एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो और वो एक जिम्मेदार नागरिक के बीच में एक वो ब्रिज का काम सेतु का काम करेंगे कि वो जो हमारे बारे में वो बेहतर जानेंगे और लोग हमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और उसका माध्यम क्या होगा ये स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स होंगे। तो इस बारे में मीडिया कर्मी से बात करते हुए SPC प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया। SPC प्रोग्राम है स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम, ये बेसिकली 2018 में केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है और उनके व्यक्तित्व का विकास करना है, उनको ये अवगत कराना है कि समाज में क्या क्या बुराइयाँ हैं और उनको हम कैसे दूर करेंगे, तथा वो
पुलिस और समाज के बीच एक सेतु का काम कैसे करेंगे, इसके बारे में पुलिस द्वारा ये कार्यक्रम संचालित किया जाता है। तो हमारे एक सहयोगी के रूप में, मित्र के रूप में हम उनको विकसित कर रहे हैं कि जैसे वो कोई आपदा पड़ने पर, यातायात नियंत्रण में कोई महामारी फैलने पर, या कोई अपराध होने में, नशा मुक्ति में, और दहेज जो की कुप्रथा है, वो सामाजिक जो बुराइयां हैं, उन सबको दूर करने में ये हमारा सहयोग करें। और वो जब जागरूक होंगे, उनको पता रहेगा, तो स्वयं भी ये सब बुराइयों से दूर रहेंगे तथा दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वो इन सब बुराइयों से दूर रहें। अभी वक्त ही छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009, 9935908111। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। ग्रामीण क्षेत्र के उभरते पहलवानों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ भारतीय पदिति के तत्वाधान में गोरखपुर मिट्टी कुश्ती संघ द्वारा आयोजित कौन बनेगा उत्तर प्रदेश केसरी प्रतियोगिता का आयोजन सुयस IIT कॉलेज हक्काबाद में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता का शुभारम्भ ADG अखिल कुमार ने फीता काट कर किया। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों से आए पहलवानों ने जोर आजमाइश किया। इस मौके पर अनेक जाने माने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान उपस्थित हैं। हम स्वागत करते हैं आपका, और साथियों मैं इतना कहना चाहूंगा अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में कि था जिनका इंतजार वो मेहमान आ गए, लगता है आज घर में भगवान आ गए। तालियां बजा करके, एक बार तालियां बजा करके अपने मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करें, उसके बाद समय आने पर हम आपसे निवेदन करेंगे अखाड़े तक आने के लिए। कुश्ती शुरू हुई है, आप जानते हैं, इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के स्त्री के पार्वती होगी। आप जो चार ठिप्पा ब्लू ब्लास्टों का पहलवान, और इस तरह टेक्निकल रिजल्ट नहीं होगा, होगा सर अर्जुन पहलवान आजम लड़के भी। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए ADG अखिल कुमार ने बताया, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ जो भारतीय पद्धति की है उसका राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आज यहाँ पे आयोजित की गई है। एक गोरखपुर में कुश्ती बड़ा ही पॉपुलर गेम है, पूरे इस मंडल में पॉपुलर गेम है, और उसको एक नई दिशा, नई ऊर्जा मिलेगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा खेल चुकी ग्रामीण अंचल में काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता इस प्रकार यहाँ से हो रही है, इसको देखने का बहुत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और स्थानीय लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। मुझे मिलता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी प्रोत्साहित होंगे और कुश्ती का जो खेल है ये और नई ऊँचाइयों पर जाएगा।
जैसा कि यहाँ पे एक परंपरागत कुश्ती का आयोजन है, इस पे क्या? मैं कह रहा कि बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। आप देखिए कितने अच्छे कार्यक्रम अच्छे ढंग से कराया जा रहा है, साथ ही साथ कितनी ज़्यादा संख्या में लोग आकर कुश्ती देख रहे हैं। तो इस प्रकार के आयोजन जितना ज़्यादा होगा, खेलों का प्रोत्साहन उतना ही मिलता है, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और खेल आगे बढ़ता है। कुश्ती में भारत अच्छा कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की खेल ज़्यादा ज़्यादा होने से कुश्ती संघ के तत्वावधान हमारे खिलाड़ी और निखर के आएंगे और अच्छा करेंगे देश। संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अंबेडकर चौराहे पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहब के अमूल्य योगदान को याद किया। साथ में बाबा साहब अमर रहे के नारे भी लगाए गए और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की शपथ भी ली गई। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए कांग्रेस की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया, आज बाबा साहब का जो संविधान दिवस है, जिसको बाबा साहब ने सपने लेकर के सभी देशवासियों और सभी वर्गों के लिए संविधान का एक बायलाज पास किया था, आज संविधान दिवस का 73वां संविधान दिवस है। और इस संविधान दिवस में मृदलाल खावरी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सांसद जो हमारे नए अध्यक्ष हैं उनके निर्देशानुसार हमारे जिला में महानगर जिला के तत्वाधान में आज बाबा साहब की मूर्ति पर संविधान दिवस मनाते हुए पूरे देशवासियों को हम यह उनका इतिहास बता रहे हैं और उनके सपने पर चलने के लिए सभी को आग्रह करते हैं। आज बाबा साहब का दिन है कि हमें समता और समानता का अधिकार मिला, जिसे हम संविधान दिवस के अवसर पर मनाया जाता है और इसकी हम हार्दिक शुभकामनाएँ पूरे देशवासियों को देते हैं। समाज में आपसी सौहार्द के उद्देश्य से बुद्ध से कबीर तक की यात्रा निकाली जा रही है। शनिवार को यह यात्रा गोरखपुर पहुंची, जहां पर लोगों ने जो इस यात्रा से जुड़े थे टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भारत की साझी विरासत की इस यात्रा को सफल बनाने में हमारे साथ आए भारत की गौरवशाली परंपरा में आपके 100 कदमों का योगदान एक संदेश होगा उन नफरत ताकतों के विरुद्ध जिन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए यात्रा के आयोजक डॉक्टर विनोद कुमार मल ने बताया, प्रतिमा से बुद्ध से कबीर तक यात्रा निकल रही है और आज ये संविधान दिवस है। सबसे पहले तो मैं संविधान दिवस पर गोरखपुर वासियों को बधाई देना चाहता हूं और बुद्ध से कबीर तक यात्रा पिछले 5 सालों से संविधान के मूल्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यरत है और आज एक सुअवसर है कि संविधान
दिवस के दिन ये बुद्ध से कबीर तक यात्रा शहर में निकल रही है। इस यात्रा में बहुत सारे गोरखपुर के गणमान्य व्यक्ति, छात्र छात्रा, भाई बहन सब शामिल हैं और ये हमारे गोरखपुर के लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है। भाईचारे की यात्रा, साझी विरासत की यात्रा, संवैधानिक मूल्यों की यात्रा, ये समाज में एक संदेश पहुंचाती है कि हम सब भारतवासी एक हैं और सब हम मिल करके एक बने रहेंगे। संविधान दिवस के अवसर पर विधि संकाय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से आचार्य प्रतापादित्य स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। भारत के संविधान की उद्देशिका, महत्व एवं दर्शन विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. वीके सिंह, अध्यक्ष प्रोफेसर अहम नसीम व एवं आयोजक डॉ. मनीष कुमार राय मौजूद रहे। गुड गवर्नेंस की प्रेरणा देता है, चाहे हमारे व्यक्तिगत संबंधों में हो, चाहे हमारे और राज्य के बीच संबंध हो, हमारे मतलब नागरिकों और राज्य के बीच संबंध हो, चाहे नागरिकों नागरिकों के बीच संबंध हो, चाहे राज्य के कर्तव्य के संबंध में का संदर्भ हो, चाहे नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का संदर्भ हो, हर संदर्भ में हमें एक आदर्श स्वरूप प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। किसी को कोई उसमें आपत्ति आए, लेकिन जो मैं देख पाता हूं उसमें हमें जो लगता है कहां राम राज्य की अवधारणा मिल रही। शुरुआत से ही आज हम लोग प्रस्तावना को रिसाइट किए हैं, दोहराए हैं और पूरा बोध के साथ दोहराए हैं। हमको उसमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, ये सभी शब्द मिलते हैं जो समाहित किए गए हमारे संविधान में। कहीं कहीं हमको मानस में मिल जाते हैं, चाहे वह कंबन रामायण हो, चाहे वह तुलसीदास कृतांतरित मानस हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण हो, जितने तरह के आप रामायण पढ़ेंगे उन सब में संप्रभुता हमारी बनी रहे इसकी बात की गई है। राज्य अक्षुण रहे इसलिए अश्वमेध यज्ञ की भी बात की गई है। राज्य संप्रभुता का ही एक लक्षण अश्वमेध यज्ञ होता है, हर युग में रहा है, हर युग में राज्य की संप्रभुता को रखने की बात की गई है और राम राज्य में भी आ रहा है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की बात, पंथ निरपेक्षता की बात और गणतंत्र की बात, यह भी हमें राम राज्य में मिलती है। साथ ही साथ न्याय, समता, बंधुता। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत एक स्थानीय स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्राधिकारी यातायात जयप्रकाश सिंह, निरीक्षक यातायात अजीत कुमार पांडे एवं स्कूल के बच्चे मौजूद रहे। इन बच्चों द्वारा यातायात जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। आपका भविष्य आपके हाथ से पल्ला चला। अरे शर्मा जी, रुकिए भाई रुकिए, क्या बात है, सही स्टाइल, नया बैट, नया स्कूल, नया बैट, नया गाड़ी और वो भी बुलेट, पार्टी तो बनती है, लोग लोग आगे चल रहे हैं। अरे नहीं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। संविधान दिवस के मौके पर राजनीति शास्त्र विभाग की ओर से दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधि विशेषज्ञ एवं कॉलेज के आचार्यगण मौजूद रहे। इस मौके पर संविधान की प्रस्तावना के विषय पर चर्चा की गई, साथ ही संविधान बनाने वाले प्रमुख विद्वानों को भी उनके योगदान के लिए याद किया गया।
दुनिया के विभिन्न कोनों में देशों में था, चाहे वो लोकतंत्र होगा जहां की सत्ता की धुरी, चाहे विश्व शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के क्रियान्वयन की बात हो, ये सारे सद्गुणों से उपभोग करने की हमको कोई स्थितियां नहीं मिली थी, इसलिए उस कटु अनुभव से हम कैसे मुक्त हों, ये कोशिश संविधान सभा ने की। अपने देश के नागरिकों को किस प्रकार से एक उत्कृष्ट जीवन शैली हम प्रदान कर सकें, ये हमारे संविधान की प्रतिबद्धता है। किसी देश का संविधान सिर्फ नियमों और विनियमों का समुच्चय ही नहीं होता, बल्कि उस देश के अनगिनत नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी होता है। उस देश के संविधान से उस देश की जन आकांक्षा की एक झलक मिलती है, और भारत का संविधान भी शायद उसके नागरिकों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण है। दुनिया की तमाम क्रांतियां हुई हैं, जिसमें दो क्रांतियों का उल्लेख आदरणीय महानंदा सर ने, योगी जिसे हम डिक्टेटरशिप अभिनायकवादी तंत्र। दिन भाई बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आज की हेडलाइंस एक बार फिर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मनाया गया संविधान दिवस। संविधान दिवस के मौके पर अपर आयुक्त ने कार्यालय में दिलाई अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ। थाना दिवस पर सुनी गई फरियादियों की फरियाद। रात के अंधेरे में चोरों ने मकान का ताला तोड़ किया लाखों के जेवर पर हाथ साफ। लग्न के मौसम में बढ़ाई गई रोडवेज में बसों की संख्या, स्टेशन मास्टर ने दी जानकारी। स्टूडेंट पुलिस कैडेट की बैठक हुई संपन्न, बच्चों को समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाने पर दिया गया जोर। एडीजी अखिल कुमार ने उत्तर प्रदेश मिट्टी कुश्ती संघ प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को किया याद, प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बुद्ध से कबीर तक की यात्रा के तहत टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। संविधान दिवस के मौके पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ व्याख्यान। यातायात माह के तहत स्कूली बच्चों ने निकाली रैली, किया लोगों को जागरूक। और संविधान दिवस के मौके पर दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, विद्वानों ने रखे अपने अपने विचार। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं प्रणाम।